हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया के रूलर्स के बारे में। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे। पल्लव हो गए, राष्ट्रकूट, चालुक्या, सेन, ये सारी डायनेस्टीज हमें कवर करनी है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे पल्लवज, यानी पल्लव जो डायनेस्टी है इनके बारे में। ठीक है, तो देखिए, हमने संगम एज के बारे में पढ़ा, द चोलास, द चेरास, द पांड्यास, फर्स्ट थ्री संगम्स, अकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, आपको याद होगा। तो हमने ये पढ़ा कि संगम एज का एंड कैसे होता है, कि काल भरास जो है वो अटैक करते हैं एंड देन खत्म। फिर उसके बाद ये लोग 250 साल तक, यानी 250 ईयर्स तक रूल करते हैं। देयर आफ्टर आते हैं पल्लवास। ठीक है, तो जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है, उसके बाद इंपीरियल चोलाज आते हैं। तो बस पल्लवास जो है, यहां हम पहुंचे हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट आता है, पल्लवास एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन तोंडाई मंडलम। तोंडाई मंडलम मतलब तमिलनाडु के आसपास का एरिया ही होगा। ठीक है, चलिए, बट उस टाइम पे इसे तोंडाई मंडलम के नाम से जाना जाता था। तो पल्लवास ने अपना किंगडम, अब एरिया भी तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सिचुएटेड कहाँ पे थे। तो इस एरिया में सिचुएटेड थे, कैपिटल थी कांचीपुरम। अब कांचीपुरम तो आपको पता चले गया होगा कहाँ पे, आप मैप एक बार लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अपना ऑक्सफोर्ड एटलस या इंडिया का मैप जो भी आपके पास उसे निकालिए, देखिए वहाँ पे कांचीपुरम कहाँ है, अदरवाइज गूगल पे देखिए और यहाँ पे मैप बनाइए, लोकेट कीजिए उसको। ठीक है, कैपिटल हो गई हमारी कांचीपुरम। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक थे कौन नेटिव्स ऑफ तोंडाई मंडलम, जहाँ पे इन्होंने अपना किंगडम सिचुएट किया, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे। ठीक है, वहीं के नेटिव्स थे। अर्लियर इंस्क्रिप्शंस प्रकृत एंड संस्कृत, इनके जो काफ़ी पुरानी इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं वो कौन सी लैंग्वेज में मिलती हैं, प्रकृत में और संस्कृत में मिलती हैं। अब होता क्या है कि कुछ कुछ इन्फ्लुएंस भी इनका रहता है बाहर से। ठीक है, तो बाद में फिर इनके जो लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शंस है वो चेंज हो जाती है। अभी तक क्या पढ़ा, तोंडाई मंडलम, कांचीपुरम, पुरानी इंस्क्रिप्शंस, प्रकृत एंड संस्कृत, और लोकल थे ये, नेटिव्स थे ये तोंडाई मंडलम के। अब इनको भी आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अर्ली पल्लवाज हो गए, सेकंड लाइन ऑफ रूलर्स आ गई पल्लवाज की, एंड थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स ऑफ पल्लवाज, ऐसे। ठीक है, तो जो अर्ली पल्लवाज थे इनकी सारी की सारी इंस्क्रिप्शंस आपको प्रकृत में मिलेंगी। टाइम पीरियड की बात करें तो 250 से 350 एडी तक का इनका टाइम पीरियड था। सेकेंड लाइन ऑफ रूलर्स की बात करें तो 350 से 550 एडी तक के टाइम पीरियड जो था, इसमें जो भी रूलर्स रहे उनको सेकेंड लाइन ऑफ रूलर्स ऑफ पल्लवास कह देते हैं, उनके इंस्क्रिप्शंस आपको ऑनली एंड ऑनली संस्कृत में मिलेगी। ठीक है, जो थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स थे, यानी 575 एडी के बाद आफ्टरवर्ड्स जो भी रहे, उनके इंस्क्रिप्शंस आपको संस्कृत और तमिल दो भाषाओं में मिलेंगी। अब जो हम रूलर्स पढ़ते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ रूलर्स के नाम लिखे हैं, तो ये है थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स। तो जो हम स्टडी करते हैं वो आते हैं थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स ऑफ पल्लवास डायनेस्टी के। ठीक है, तो इसके ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, वही हमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट रूलर कौन थे, सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु ने क्या किया, ही डिस्ट्रॉयड कालभ्रास। कालभ्रास कौन थे, तो चलिए जरा वापस चलते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, संगम्स के बाद कालभ्रास आए, उन्होंने इनका डिक्लाइन का वो कारण बने कालभ्रास, 250 इयर्स तक रूल किया। इसके बाद पल्लवास आए, तो पल्लवास के फाउंडर एक तरह से हम किसे कह सकते हैं जिन्होंने कालभ्रास को हराया और फिर से थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स लाई, तो वो थे सिम्हा विष्णु। दे डिस्ट्रॉयड कालभ्रास एंड फॉर्मली एस्टेब्लिश द पल्लवा रूल इन तोंडाई मंडलम, और आराम से अपना जो रूल है वो एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो यहाँ से फाउंडर हमें समझ आ गए, सिम्हा विष्णु। इन्हें सिम्हा वर्मन भी कहा जाता था, बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जो मैंने इस साइड पे लिखा है ना, ये सारा का सारा इनके बारे में, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। इंक्लूडेड श्रीलंका इन हिज किंगडम, तो श्रीलंका को अपने किंगडम में शामिल करने वाले पल्लव शासक या पल्लव राजा, पल्लव रूलर कौन थे, क्वेश्चन आ सकता है, तो वो थे सिम्हा विष्णु, वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। हिज कोर्ट हैज़ अ राइटर, इनके कोर्ट में एक राइटर था, एक लेखक था भारवी, जिन्होंने क्या लिखा है, किराता अर्जुनियम। अब विष्णु वर्शिपर, विष्णु भगवान की भी पूजा करते थे। इनकी जो एज है वो कही जाती है एज ऑफ द इम्पीरियल पल्लवाज, मतलब जो थर्ड लाइन ऑफ रूलर्स है इन्हें कहा जाता है एज ऑफ द इम्पीरियल पल्लवाज। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे, आपको टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है, पहली बात इसको याद करने मत बैठना, ये जस्ट वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो साउथ इंडिया के हैं, हाँ उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उनके स्टेट की हिस्ट्री है, उनके पड़ोस की हिस्ट्री है, बट हमारे लिए नहीं, नेशनल लेवल पे ये कभी नहीं आपसे टाइम पूछेंगे, तो इसको तो आप भूल जाओ कि आपको कोई पूछेगा। ठीक है, चलिए, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन टू,
परमेश्वरा वर्मन, नरसिंह वर्मन टू, नंदी वर्मन टू एंड अपराजित। याद इसमें ये एक दो जो हम देखिए इनके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो जिनके एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट है कि कैलाश टेम्पल एलोरस में किसने बनाया, ये किसने किया, वो किसने किया, वो तो इंपॉर्टेंट है। लास्ट रूलर कौन है? अपराजित। फर्स्ट रूलर यानी फाउंडर कौन थे? सिम्हा विष्णु। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड आगे चलने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी। देखिए, मैं अपने चैनल पे डेली करंट अफेयर्स अपलोड करती हूँ, तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। 15 से 20 पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है और सारे हैंड रिटन नोट्स ही आपको मिलेंगे डेली। जैसे कि 24 नवंबर के अलग से करूँगी, 25 नवंबर का अलग वीडियो। इस तरह से डेली करंट अफेयर्स अपलोड करती हूँ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं करंट अफेयर्स देखने में या पढ़ने में, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, होता क्या है ना, हम सोचते हैं करंट अफेयर्स एग्जाम जब आएगा तभी पढ़ेंगे, बट करंट अफेयर ऐसी चीज़ है जो डेली बदलती है। जब हम पूरे साल एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन्हें पढ़ के याद नहीं कर सकते, जो कि स्टैटिक ही है एक तरह से। हिस्ट्री में क्या चेंज होगा? इतिहास तो फिक्स ही है ना। वही है कि कोई नई डिस्कवरी हो गई, यहाँ पे वो मिल गया, वहाँ पे हड्डियों का ढांचा मिल गया, यही सब है। कोई टेंपल मिल गया, खुदाई में कुछ मिल गया, बाकी हिस्ट्री तो फिक्स ही है। जब हम इतने पूरे पूरे साल पढ़ के हिस्ट्री याद नहीं कर सकते, हम एक महीना पढ़ के करंट अफेयर्स कैसे याद करेंगे? तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए डेली आप आधा घंटा लीजिए, लास्ट में कोई एक आधी मंथली मैगजीन या क्वार्टरली मैगजीन पढ़ लीजिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि जिसके जीएस में कमांड थोड़ी कम है बट करंट अफेयर्स पे कमांड स्ट्रॉन्ग है ना, वो भी मतलब चांसेस रहते हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए, थोड़ी बातें ज्यादा हो गई, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें पढ़ना है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में। तो ये कौन थे? ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म को फॉलो करते थे, बट बाद में इन्होंने शैविज्म मतलब जो शिव जी की पूजा है इस चीज़ को अपना लिया था बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ शैवा संत अप्पर। तो ये क्वेश्चन आता है कि अप्पर के इसमें इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने जो है शिव भक्ति को अपना लिया था, ठीक है। बाद में अब क्योंकि वो शिव के भक्त बन गए, सो ही बिल्ट अ शिवा टेम्पल एट तिरुवदि, राइट। फिर नेक्स्ट आता है मंडा गपाटू इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से कॉल्स हिम विचित्र चिता, विचित्र चिता का मतलब इनको नाम दिया गया, टाइटल दिया गया, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से उन्हें क्या बुलाया जाता था? विचित्र चिता, हु कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा विदाउट द यूज ऑफ ब्रिक्स टिम्बर मेटल एंड मॉर्टर। तो मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है मंडा गपाटू, इसके हिसाब से इन्हें विचित्र चिता कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक टेम्पल बनाया जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों थे, और उसमें ना ब्रिक्स का यूज़ किया, मतलब ना ईंटों का यूज़ किया, ना लकड़ी का यूज़ किया, ना मेटल, ना मोर्टार का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है हीरोट मत विलास प्रहसनम। तो देखिए, प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत टफ है ये साउथ इंडियन की जो हिस्ट्री है याद करना, बट मैंने क्या किया ना, मोटे मोटे पॉइंट्स हैं बस वही याद किए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुडुमिया मलाई इंस्क्रिप्शन। इसके हिसाब से ही वॉज एन एक्सपर्ट इन म्यूजिक, म्यूजिक के एक्सपर्ट थे। मोटा मोटा याद रखना, जैनिज्म के फॉलोअर थे, बाद में शैविज्म को अपनाया, अप्पर के अंडर तिरुवदि में टेम्पल बनाया, जो मंडा गपाटू इंस्क्रिप्शन थी इसके हिसाब से विचित्र चिता टेम्पल बोलते थे, उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट तरह का टेम्पल बनाया ना, इसमें ब्रिक्स, ना टिम्बर, ना मेटल, ना मॉर्टर, इन चीजों का यूज किए बिना। एंड इन्होंने मत विलासा प्रहसनम लिखा था। एक और इंस्क्रिप्शन आती है कुदुमिया मलाई इंस्क्रिप्शन। इसके हिसाब से ये माना जाता है कि वो म्यूजिक, म्यूजिक के बहुत एक्सपर्ट थे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ही डिफीटेड चालुक्याज रूलर, जो चालुक्य के रूलर थे पुलाकेसिन टू, इनको हराया। ये क्वेश्चन बनता है, नरसिंह वर्मन पुलाकेसिन टू, इनको हराया। और पुलाकेसिन टू कौन थे? रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वतापी, वतापी के चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, उनको हराया नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। उसके बाद टाइटल लिया वतापी कोण, वतापी के राजा को हरा के टाइटल लिया वतापी कोण का, ठीक है। अनदर नोटेबल अचीवमेंट इनकी थी हिज नेवल एक्सपेडिशन टू श्रीलंका, श्रीलंका को नेवल एक्सपेडिशन लेके गए। अब देखिए, ये लोगों इस स्टोरी में ना कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई लिंक नहीं हो पाता। जैसे मुगलों में लिंक था कि पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, जैसे हम पढ़ते ना अकबर के बारे में पढ़ते हैं कि बैटल हुई अपने, उन्होंने शादी की जोधा से, फिर उनके जो भाई थे, जो कजन्स थे, उनको वहाँ पर मनसबदारी दी। तो स्टोरी चलती है उसमें, बस हमें नाम याद रखना। तो इसमें स्टोरी नहीं चलती, इसमें पॉइंट्स, इसमें फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, एंड देन आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपेयर हो जाएगा, एंड देन आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। प्लस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो साथ साथ में लाइक कर देना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नरसिंह वर्मन टू के बारे में, ऑल्सो नोन एज राजा सिम्हा, इन्हें राजा सिम्हा भी कहा जाता था। बिल्ट ड्यूरिंग हिज पीरियड, अब कुछ टेम्पल्स हैं
ठीक है, जो उनके टाइम पीरियड में बनाए गए। तो कौन कौन से टेम्पल्स हैं? शोर टेम्पल है ममालापुरम में एंड कैलाश नाथ टेम्पल है कांचीपुरम में, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हिज फेमस संस्कृत स्कॉलर, संस्कृत स्कॉलर थे उनके दरबार में, क्या नाम था? दंडिन। एंड इन्होंने कौन कौन से टाइटल्स लिए? किसने? नरसिम्हा वर्मन टू ने, अगमप्रिया, शंकर भक्ता एंड वद्या विद्याधर। तीनों टाइटल्स खतरनाक हैं, तो इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ अपराजित, अपराजित कौन थे? लास्ट पल्लव रूलर, लास्ट पल्लव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, डिफीटेड बाय चोला किंग आदित्यवन। चोला किंग आए आदित्यवन, उन्होंने इसे इन्हें हराया था। ठीक है, तो इसके बाद चोलाज आते हैं, बट हम इसके बाद चोलाज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि देखिए मैंने आपको ऑलरेडी सीक्वेंस बताया है कि हमने किस तरह से पढ़ना है, तो हम उसी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हो गया कंप्लीट। आई नो ये वाले टॉपिक्स मतलब मेरे लिए थोड़े बोरिंग है, आई डोंट नो आपके लिए बोरिंग है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बट ऐसा है कि पढ़ने तो पढ़ेंगे क्योंकि छोड़ नहीं सकते ना टॉपिक्स को, हल्का सा टच कर लेंगे, अदरवाइज ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा कम कम पढ़ेंगे, बट पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको एक और बात बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप बिजी हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। देखिए उन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने यहाँ पे अपनी यूट्यूब वीडियोस पे पढ़ाया है, उन्हीं नोट्स की आपको पीडीएफ मिलेगी। तो इनकेस आपको कहीं भी डाउट होता है उस टॉपिक से रिलेटेड, आप वीडियोज देख लें एंड देन आपके वो हेल्प आ जाएगी, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।